आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां अक्षरा की नई पीढ़ी सेल्फीज लेने में व्यस्त है, मुंह और चेहरा टेढ़ा करके मोबाइल से सेल्फी खींच रहे हैं। और वहीं पर नंदिनी और उसकी सास एंट्री लेती हैं। नंदिनी की सास रोना रो रही है कि एक फिरंग लड़की उनके पोते के पीछे पड़ी है। अब अक्षरा को अपने घर की परेशानी छोड़कर ननद के घर की मुश्किल दूर करनी पड़ेगी। चलिए भी हम भी दूर हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं सीरियल कसम के सेट पर, जहां बहुत ही फिल्मी सीन निभाया जा रहा है। कसम का हीरो ऋषि एक गली से गुजर रहा है। उस गली के नाके पर माता महाकाली का मंदिर है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजनी शुरू हो जाती हैं। ऋषि माता को फरियाद कर रहा है कि आखिर उसके मन में भी तो ऐसा ही तूफान चल रहा है, इस तूफान से छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता दिखाओ माता। कुछ ऐसी ही गुहार लगा रहा है ऋषि। ये माता जरूर प्रसन्न होगी, क्योंकि माता की इसी मूर्ति की पूजा करके नागिन ने भी मनचाहा वरदान पाया था, तो ऋषि भी पा ही लेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ससुराल सिमर का कैसेट, जहां पर सिद्धांत को अगवा किया जा रहा है, जहां चंद्रमणि खुद उसको किडनैप कर रही है। अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटी सी वैन में उसने सिद्धांत को बैठा दिया है। सिद्धांत को इसी बात का गम है कि इतनी बड़ी चंद्रमणि आखिर इतनी छोटी सी नॉन एसी गाड़ी लेकर कैसे आ सकती है, वो भी उसके किडनैपिंग के लिए। किडनैपिंग की प्रथा वापस से ससुराल सिमरका में आ गई है, क्योंकि अब मैं किडनैप कर रही हूँ। मेरा सब कुछ मैंने ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं किया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिद्धांत जी का किडनैप ही कर लो, क्योंकि कोई भी मुझे इनके साथ प्यार मोहब्बत नहीं करने दे रहा है घर में। तो मैं अब इन्हें किडनैप करके ही इन्हें लेकर जा रही हूँ। किडनैपिंग के बाद खुश है? आप मेरी मिजरी नहीं समझ सकते। हालांकि हमारे खानदान की परंपरा है कि हम किडनैप होते हैं, लेकिन हमारे किडनैपर्स आए, ये तो अपहरण करता है। किडनैप करने के लिए इतनी गरीब गाड़ी लेके आए, इनकी गाड़ी में देख लीजिए, मैं खुद पर एसी नहीं है, फैन लगा हुआ है, मतलब आप चाहती क्या है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीरियल थपकी के सेट पर, जहां थपकी जार जार आंसू बहा रही है और अपने एक्स प्रेमी और मौजूदा जेठ ध्रुव सर को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे अब अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए जैसे उसने माफ किया है। लेकिन ध्रुव है कि उसके मन से अपनी माँ के लिए जो नफरत पैदा हुई है वो दूर करने का मन ही नहीं बना रहा। माँ ने जो किया ना वो मेरे साथ गलत किया, सबके साथ गलत किया, और सबसे ज्यादा गलत तो तुम्हारे साथ किया। तुम भी मुझे कह रही हो कि मैं सब भूल जाऊं। लेकिन थपकी को बहुत जल्द इस कार्य में सफलता मिल ही जाएगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कर ही लेगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीरियल मे आई कम इन मैडम के सेट पर, जहां एक जमाता को अपनी ही सास के साथ बारिश में नहाने का मन कर रहा है और इसीलिए उसने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे हैं। आज तक हमने सिर्फ औरतों को झरने के नीचे सफेद साड़ी पहनकर नाचते हुए झूमते हुए देखा, बट यू, लेकिन अपनी मैडम के इस दीवाने को भी सफेद कपड़ों की आवश्यकता है, तो वो तो ये कपड़े चुरा ही लेगा। इसमें बस यही है कि मैं वेट कर रहा हूँ बारिश में कि सास के साथ नहाऊंगा, इसलिए मैंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। ये मेरी फैंटेसी है, मेरा सपना है। तो उससे पहले ही मुझे साजन बताता है कि आपका चेहरा बहुत खराब हो रहा है, बहुत धूल में लगा हुआ है, जूते की तरह हो रहा है, लौ बुझ गई है आपके चेहरे की, आप इसको साफ करिए। तो मैं जाकर के बाथरूम में साफ करने चला जाता हूँ पूरा। अब वो कुछ भीग से जाते हैं कुछ कपड़े, तो उनको टांग देता हूँ, तो होता यह है कि वो कपड़े लेकर के गायब हो जाता है वहां से, क्योंकि उसको सफेद कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि उसको संजना के साथ बारिश में नहाना है। और मैं जिस हालत में होता हूं वो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत होगी जब आप दी के शरीर से कपड़े उतर जाएंगे तब। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, कपड़े चोरी हो चुके हैं और कच्चा बनियान पहनकर ये जनाब अपने कपड़े ढूंढने निकले हैं। चलिए भाई हम तो बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीरियल एक दूजे के वास्ते के सेट पर, जहां सुमन तिवारी को 4 लाख रुपयों का चेक मिला है, क्योंकि वो कार्य भी तो ऐसा कर रही है, कैटरिंग का व्यवसाय कर रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। और देखिए उसकी मेहनत रंग लाई है, उसे बड़ी सी रकम का चेक मिल गया है। फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी में आज बस इतना ही, ये दोबारा लौटेगी और आपको करवाएगी कुछ और सीरियल्स के सेट की सैर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।